कंपनी को अमेज़न से AWS सर्टिफिकेशन मिला है। ऐसे नए नए जो है कुछ प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने लॉन्च किया है। AI को लेकर कंपनी जो है बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है AI को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स बिरलासॉफ्ट में देखने को मिला है। कंपनी ने यहाँ पे इसका Q2 का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो क्या यहाँ पे एक तेजी बन सकता है शेयर में? अभी देखिए बिरलासॉफ्ट जिसका शेयर का प्राइस जो है एक हाई प्राइस इसने बनाया था 860 रुपीज के आसपास का, तो वहां से शेयर का प्राइस डाउन हुआ है और अभी 601 रुपए है, मतलब 600 के आसपास शेयर ये ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझेंगे दोस्तों बिरलासॉफ्ट का जो Q2 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको, कंपनी में क्या चल रहा है बिरलासॉफ्ट में और शेयर में क्या चल रहा है बिरलासॉफ्ट में। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि तो स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। देखिए एक दिन में बिरलासॉफ्ट के शेयर ने 4.2% के आसपास रिटर्न दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं एक हफ्ते में 1.3% शेयर ने रिटर्न दिया है बिरलासॉफ्ट के शेयर ने। एंड यहाँ पे देखते हैं वन मंथ में 4.8% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है दोस्तों। कंपनी का जो बोलते की जो इसका जो ड्यूरेबिलिटी बिरलासॉफ्ट का 75 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 46.50 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम 39.30 है आउट ऑफ 100। कंपनी के शेयर में देखिए वन मंथ में क्या हुआ बिरलासॉफ्ट के शेयर में, जहां पे 638 रुपीज का इसने हाई प्राइस बनाया बिरलासॉफ्ट के शेयर ने और जो लो प्राइस बनाया है 561.85 पैसे का। एक हफ्ते में देखते दोस्तों 608.60 पैसे का एक हाई प्राइस बनाया, लो प्राइस बनाया 570 रुपीज का दोस्तों। और एक दिन में देखते हैं तो शेयर में जो एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे 602.85 पैसे का इसने एक हाई प्राइस बनाया और जो लो प्राइस बनाया है 5.70 पैसे का। तो ये फिलहाल बिरलासॉफ्ट के जो बोल सकते कि शेयर को लेकर कुछ अपडेट्स है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि 16,623.7 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिरलासॉफ्ट का। कंपनी का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं बिरलासॉफ्ट के शेयर का, जहां पे टेक्निकली जो है ये शेयर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है बिरलासॉफ्ट का शेयर जो है एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बार देखना है अगर आप बिरलासॉफ्ट का शेयर खरीदते हो तो। अभी देखिए यहाँ पे जो बोलते हैं जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग में देखिए प्रोमोटर्स के पास 40.9% का स्टेक था। प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक जो है बोलते कि जो इंक्रीज करके 40.86% का स्टेक किया है। बात करते हैं दोस्तों जो तो शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास देख सकते 40.90% का स्टेक था। प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक थोड़ा बहुत रिड्यूस करके 40.86% का स्टेक किया है। FIS जो है FIS के पास 18.82% का स्टेक था। FIS ने यहाँ पे स्टेक जो है रिड्यूस करके 11.71% का स्टेक किया है। म्यूचुअल फंड के पास 19.55% का स्टेक था। म्यूचुअल फंड ने जो है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है 22.54% के आसपास का फिलहाल अभी स्टेक है म्यूचुअल फंड के पास। एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो है अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 17.72% का माफ कीजिए 1.72% का स्टेक है और पब्लिक के पास 23.15% का स्टेक है। तो देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है बिरलासॉफ्ट के शेयर में। बिरलासॉफ्ट के शेयर को लेकर जो एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 812.50 पैसे का। तो यहाँ पे समझिए 812.50 पैसा ये जो शेयर का प्राइस है, क्या ये शेयर का प्राइस अभी हिट कर सकते हैं? देखिए शेयर में जैसा पैटर्न बन रहा है इतना ज्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए हमें लगता है। कोई अगर अभी के मतलब होल्ड करना चाहते हैं शेयर को बिरलासॉफ्ट के शेयर को तो जाके हो सकता है कि शेयर में आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है कंपनी अपने और बहुत अच्छा खासा जो है कंपनी का इन्वेस्टमेंट है मार्केट में। बिरलासॉफ्ट का जो Q2 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इसने शेयर किया है उसको थोड़ा समझते तो रेवेन्यू जो है कंपनी का 13,682 मिलियन हुआ है जो कि 4.5% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है कंपनी का रेवेन्यू। EBITDA 1,653 मिलियन हुआ है तो 12.1% EBITDA कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पेट की बात करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 1,275 मिलियन हुआ है ट्रांसलेटिंग टू बेसिक EPS जो कि 4.59 रुपीज के आसपास है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात करते हैं जो कि इंक्रीज हुआ है 29.0% ईयर ऑन ईयर जो कि 18,000
587 मिलियन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बोल सकते हैं कि ओवरऑल जिसका मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस में कंपनी का जो है EBITDA यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे रेवेन्यू है, माफ कीजिए, रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पैट जो है पैट भी यहाँ पे अच्छा खासा है, कंपनी का जो कैश है कैश भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का Q2 25 का जो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट है उसको थोड़ा समझते हैं, ड्राइवन बाय मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी एंड यूटिलिटीज एंड VFSI अमंग व्हीकल्स बाय डिजिटल एंड डेटा एंड ERP अमंग सर्विसेज लाइन एंड बाय अमेरिकन अमंग जियोग्राफिक्स। तो कंपनी के ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, बिरला सॉफ्ट के ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसका एक ज्यादा इम्पैक्ट जो है शेयर में पड़ा है, और कंपनी का Q2 25 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग 4.7% इंक्रीज हुआ है, E&U जो है 4.7% इंक्रीज हुआ है, BFSI की बात करते हैं तो BFSI जो है 1.4% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का डिजिटल एंड डेटा में बात करते हैं तो 6.6% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ERP जो है 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो नंबर ऑफ USD जो कि 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स इंक्रीज फ्रॉम 88 to 89, USD 5 मिलियन प्लस क्लाइंट्स जो कि इंक्रीज हुआ है 23 से 24, एंड USD 10 मिलियन प्लस क्लाइंट्स जो कि रिमेन स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कंपनी के क्लाइंट भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है, कुछ क्लाइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो बिग क्लाइंट्स है कंपनी के बड़े क्लाइंट्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं टॉप जो है फ्रॉम टॉप जो कि टॉप 5, टॉप 10 एंड टॉप 20 क्लाइंट जो है ग्रीव ईयर ऑन ईयर बाई 12.6%, 6.3% एंड 4.7% रेस्पेक्टिवली। अभी कंपनी का जो है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट डील्स मिले हैं जो कि आप देख सकते हैं, TCB USD 136 मिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर विथ न्यू डील विंस TCB ऑफ USD 89 मिलियन एंड रिन्यूएबल USD 47 मिलियन। कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव क्लाइंट जो है बिरला सॉफ्ट के जो एक्टिव क्लाइंट्स है जो कि काउंट एट 261 इन Q2 फाइनेंशियल 25 कंपेयर टू 258 इन Q1 25 एंड 278 इन Q2 फाइनेंशियल 24। तो कंपनी का Q1 25 में जो क्लाइंट्स था उससे अभी क्लाइंट्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है, मतलब क्लाइंट जो है अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात करते हैं जो कि USD 221.8 मिलियन है बाई एंड Q2 फाइनेंशियल 25। कंपनी का जो यहाँ पे देखते हैं तो ऐसे मतलब जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनके ओर से जो बताया जा रहा है कि वी आर प्लेस्ड टू रिपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन आवर रेवेन्यू। कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पे हुआ है जो कि मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है, कंपनी के क्लाइंट्स है जो बिरला सॉफ्ट के क्लाइंट्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसका एक फायदा जो है कंपनी को हुआ है। अभी यहाँ पे कंपनी का जो देख सकते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जहाँ पे बताया जा रहा है कि रेवेन्यू जो है कंपनी का अंडर रिव्यू जो कि मतलब 4.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है टू ₹13,682 मिलियन एंड वी ऑल्सो मेंटेन आवर रोबस्ट ट्रैक रिकॉर्ड of strong quarterly collections and consistent cash flow generation जो कि resulting देखेंगे 29% rise year on year in cash and cash equivalent जो कि 18,587 million हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो details देखने को मिल रहा है बिरला सॉफ्ट को लेके बोल सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है आगे चल के और ज्यादा प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। तो शेयर अगर किसी के पास है बिरला सॉफ्ट का थोड़ा ज्यादा प्राइस में लेके रखा है तो हमें लगता है कि थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। कंपनी का जो बोल सकते हैं कि डिविडेंड है, डिविडेंड को लेके बात करते हैं तो कंपनी जो अभी जो एक डिविडेंड मतलब इसके पहले जो एक डिविडेंड दिया है जो कि ₹4 के आसपास कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। तो साल का अगर देखेंगे 5 से 6 रुपए के बीच में जो है कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देता है। टेक्निकली अभी बिरला सॉफ्ट का शेयर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस रखा जाए। कंपनी में ऐसे बहुत सारे कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स है बिरला सॉफ्ट में जिसका एक इम्पैक्ट शेयर में हम लोगों को शायद से आगे मतलब बन सकता है ऐसा देखने को मिले, और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है आगे चल के। आपको कैसा लगता है दोस्तों बिरला सॉफ्ट का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।